इस आदेश को देखिए, यह आदेश यह साबित करता है कि इस समय चित्रकूट में जेसीबी मशीन चलाकर किसी भी जमीन को बराबर करना अवैध है। अब हम चलते हैं जगद्गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के छोटे स्वरूप यानी प्रज्ञाचक्षु मूक बधिर विद्यालय में। यहाँ पर बाउंड्री के बाहर एक जमीन का टुकड़ा है और इस जमीन के टुकड़े पर जेसीबी चलाई जा रही है। मुझे 3 दिन पहले जब यह जेसीबी चालू हुई थी तो प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीधर त्रिपाठी ने जाकर इस पर ऑब्जेक्शन किया था। थाने में जाकर इसे काम को रुकवाने का प्रयास किया था, लेकिन थानेदार ने उस समय कहा कि आप स्थगन आदेश लाइए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। प्रधानाचार्य, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सबके पास भटके, मगर किसी ने भी ना स्थगन आदेश दिया और ना ही पुलिस ने काम रोका। हार तककर वह चुप मार कर बैठ गए, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। आगे देखिए होता क्या है। एफआईआर नहीं हो पाई, थाना प्रभारी ने कहा है कि स्थगन प्राप्त करें, तब पुलिस कार्रवाई करेगी। तो अब आप क्या करेंगे? तो स्थगन का प्रयास करेंगे। कहाँ से? नायब तहसीलदार जी। शनिवार को अचानक इस मामले में नया मोड़ आ गया। कामता गांव के लगभग 200 लोग साधु संतों को लेकर शासकीय उच्चतर विद्यालय पहुंच गए। यहां पर आकर इन्होंने हंगामा काटना चालू किया तो फिर एसडीएम, नगर पंचायत के कार्य अधिकारी और नायब तहसीलदार, तहसीलदार आदि भी पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया। प्रधानाचार्य के अलावा दूसरे पक्ष ने भी अपने कागजात दिखाकर बताया कि इस जमीन पर उनका भी मालिकाना हक है। इसको लेकर पूर्व में कई बार जांच हुई, लेकिन जांच से ना ही विद्यालय के प्रधानाचार्य और ना ही वह संतुष्ट हुए। अब वहां पर तुलसी पीठ संस्था के प्रमुख जबरन अपना जेसीबी चला रहे हैं। इस दौरान संत मदन गोपाल दास जी ने भी ज्ञापन देकर कहा कि जो सही हो वो किया जाए, विवाद न बढ़ाया जाए। कारण, ये कामता का प्राचीन विद्यालय है जिसका नाम श्री महान प्रेम पुजारी दास शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। इसका जमीनी ये विवाद है कि 1016 नंबर में ये रकवा है विद्यालय का, लेकिन कुछ और लोग भी बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरी आराजी है। तो मेरा ये अनुरोध है शासन प्रशासन की, जो विद्यालय की जमीन है, विद्यालय की जमीन को पूरे रकवे को नाप दिया जाए। पूरे कामता गांव की और संतों की यही अपेक्षा है। इसके बाद जिसकी जो जमीन हो अपनी अपनी जमीन ले लें। कब्जा भी महाराज शंकराचार्य किए हैं, अन्य कोई कब्जा न करे। तो दूसरा पक्ष कौन है, पहला पक्ष कौन है? एक पक्ष तो आप हैं, ये किस पीठ से जो विद्यालय चल रहा है बगल में, वो उनका ये है कि ये मेरी जमीन है। इधर विद्यालय का ये कहना है कि ये मेरी जमीन। तो दोनों के बीच में कोई झगड़ा विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए सारे लोगों की यही मांग है कि इसका पूरी जमीन का सर्वेक्षण हो। कई बार इसका मामला उठ चुका है, लेकिन लगातार दूसरे पक्ष द्वारा कब्जा करने की कोशिश की जा रही। क्या इस मामले को आप समाज के बीच में भी उठाएंगे? अगर इस 2 दिन से जो मशीन चल रही थी, कब्जा हो रहा था, उसी के लिए सारे लोग एकत्रित हुए विद्यालय के। हम लोगों ने उसके लिए शासन प्रशासन को भी यहीं बुलवाया और अनुरोध किया कि मशीनें बंद कराई जाएं। तो मौके पर तो मशीनें अभी बंद हुई हैं, और जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। महाराज जी, दोनों जो ट्रस्ट हैं या दोनों के जो प्रबंधक हैं मेन है वो संत हैं, तो क्या आप इस मामले को, चूँकि आप भी संत समाज है और अगर पक्ष भी संत समाज के एक बड़े वो संत हैं, क्या ये मामला संत समाज के बीच में भी उठाया जाएगा अगर ये विवाद नहीं सुलझता तो? हाँ, क्योंकि संतों की विचारधारा परोपकारवादी होती है। हम सोचते हैं संतों में कोई विवाद ना हो, उनकी जहाँ जितनी सीमा में जगह हो उन्हें मिल जाए, और जो विद्यालय की विद्यालय को मिल जाए। आश्वासन मिला किस तरह की कार्रवाई का? उन्होंने मीटिंग करके विद्यालय के अंदर सारे लोगों को आश्वासन दिया, आवेदन पत्र भी स्वीकार किया है कि तब तक ये कार्रवाई को स्थगन करता हूँ, कोई न मशीन चलेगी ना कोई वहाँ पर निर्माण करेगा।
जब तक पूरी जमीन का सर्वेक्षण नहीं हो जाता, जिस नंबर में ये रकवा पाया जाता उसको पुनर्नाप नहीं हो जाती, तब तक इसको स्थगन रखा जाए, ये उन्होंने कहा है। सब इस दौरान स्थानीय लोगों ने अधिकारियों पर जमीन पर कब्जा कराने का आरोप भी लगाया। कब्जा करवा रहे हैं, डीएम साहब की भूमिका नहीं, आपकी भूमिका। हाँ यार, उनके भूमिका नहीं है, गांव के भूमिका नहीं है। आए कि ये ग्राम कामता महंत प्रेम पुजारी दास जी उत्तम माध्यमिक विद्यालय ग्राम कामता में ये विकलांग विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं, मेन मालिक हैं, इनका एक मूक बधिर विद्यालय बना हुआ है इसके बगल से। तो इनका जो इनकी जो रणनीति है वो यह रणनीति है कि विद्यालय की जमीन कब्जा करके और अपने आशियाना बनाना। इस विषय पर कई दिनों से मशीनें चल रही थी, थाने में मीटिंग हुई, वहाँ भी हमने निवेदन किया। हमको ये भी पता चला कि माननीय प्रिंसिपल साहब तहसीलदार साहब के पास और उच्च अधिकारियों के पास गए, लेकिन वो इतने पावरफुल लोग हैं कि आपके अधिकारी स्कूल के घूमते रहे दरबदर आम जनता की तरह और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती रही। चित्रकूट के आम जनमानस को ये बात मालूम चली, आम जनमानस इकट्ठा हुआ, थाने में हम लोग मीटिंग किए, उसके बाद यहाँ भी बुलाए। हमने तो ये तक कहा कि अगर इन भूमाफियाओं ने अपनी जेसी भी नहीं रोका तो हम आत्मदहन तक करेंगे। और दूसरी बात, ये सत्ता अभी तहसीलदार साहब से मैंने बोला कि जेसी भी चल रही है, आवाज़ यहाँ तक आ रही है, एसडीएम साहब के कानों में आवाज़ आ रही है, तहसीलदार साहब को क्या कह रहे हैं फ़ोन में उनसे कि सर थोड़ा सा देखिए क्या जेसी भी चल रही है क्या। इसका मतलब तहसीलदार साहब अगर आंखों से बहरे हैं तो इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। पहली बात, एसडीएम साहब को सुनाई दे रहा है, उनको नहीं सुनाई दे रहा, तहसीलदार साहब की पूरी मिली भगत से ये काम हो रहा है 100%। और इसमें जहां तक भी होगा मैं गांव के लोगों को लेकर और आत्मदहन तक करने के लिए तैयार हूँ, ये कतई खिलवाड़ नहीं होगा विद्यालय की जमीन से। सरकारी अधिकारियों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए कि ये सीमांकन त्रुटिपूर्ण है क्योंकि नक्शा जो है उपलब्ध नहीं है। नक्शा, वास्तविक नक्शा उपलब्ध कराने के लिए भी मैंने अपनी तरफ से ही बहुत सारे प्रयास किए, उनसे भी कहा था कि अगर मिल सके कहीं से तो लिवाइए, आगे नहीं आया। जो जो आपत्ति थी वो केवल इतनी लिखी थी कि नक्शा त्रुटिपूर्ण है, नक्शा सुधार का काम न तो नायब तहसीलदार राजस्व लिखा हुआ मेरे पास। लोग लगातार अधिकारियों को तर्कों को नजरअंदाज करते रहे और आरोप लगाते रहे कि आप ही तुलसी पीठ सेवान्यास के द्वारा चल रहे विद्यालय के संचालकों को उस जमीन पर कब्जा करा रहे हैं। अधिकारियों ने तमाम अपने तर्क दिए लेकिन कुछ भी लोग सुनने को तैयार नहीं थे। ये प्रज्ञा चक्षु विद्यालय बगल में है, 10-14 नंबर, ये 10-16 है विद्यालय की जमीन, और 30 वर्षों से जिस जमीन पे कब्जा था, नक्शा क्योंकि यहाँ का त्रुटिपूर्ण है, पुराना नक्शा बदल दिया गया है, इसलिए ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अब विद्यालय की जहाँ बाउंड्री भी बनी हुई है वो हिस्सा भी नवीन नाप ने उस तरफ दिया। तो क्या इतने दिनों में अभी तक एक भी बार जाँच नहीं हुई, नाप नहीं हुई है? नहीं, नाप कई बार हुई लेकिन नाप की कोई अधिकृत रिपोर्ट नहीं दी गई। क्या चाहते हैं हम? हम तो चाहते हैं कि विद्यालय की जो जमीन है वो सुरक्षित रहे, चाहे पूरा गांव हल्ला हो जाए, जब तक कोर्ट में नहीं जाएगा, सिविल में नहीं। आज अधिकारी आए थे, क्या आपको आश्वासन मिला उनके द्वारा? उन्होंने जांच का भरोसा दिया है, पुनः जांच सिविल की तैयारी। स्कूल की जमीन पे ये बाजू मशीन चल रही है, अभी वर्तमान में मशीन को काम रुका दिया गया है और आपके ही साथियों ने हमको कुछ दस्तावेज दिलाए हैं कि ये 58 में 5 एकड़ थी और आज वर्तमान में 3 एकड़ बची है। तो इसमें इसका पुराना रिकॉर्ड भी बनवाते हैं, अगर नक्शा नहीं है तो उसके आधार पर हम पुनः यहाँ का सर्विस में के लिए कलेक्टर महोदय को फोन भेजेंगे। सर, किस चीज़ की जमीन क्या है?